नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं आपका सेल्स कोच। दोस्तों, सेल्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं और इन वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड टू डू योर प्रोफेशन ऑफ सेलिंग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम। इफ यू आर रेडी टू मूव फर्दर इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ सेल्स, कम ऑन, लेट्स गेट इन टू दिस वंडरफुल वर्ल्ड कॉल्ड सेल्स। Suppose you want that, what business you are into? Plastic injection molding. Injection molding. Yeah. So suppose you want and you are looking at selling the injection molding machines, or you are looking at selling the molds, products. Yeah. So suppose you are looking at selling houseware, suppose plastic utensils. So you want database of traders who are into plastic ware selling, right? So that they import from you and then they sell it later. So there are chamber of, first point of contact for you is FIEO. You should write to FIEO. FIEO. Yeah. We discussed about this earlier. There's something called FIEO, Federation of Indian Exporting Organization. So FIEO is an official nominee from the Chamber of Commerce in Ministry of Commerce, Government of India. Unka kaam hai ki aap agar query denge ki mujhe phalane country mein phalana product dena hai, तो उनका काम है कि वो आपको हेल्प करेंगे। एंड दिस FIEO इज अ सब्सिडियरी ऑफ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सो FIEO विल गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड FIEO आल्सो हैज डेटाबेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज वन सोर्स, बट इवन द कंट्री वेयर यू वांट टू एक्सपोर्ट, दे विल हैव देयर ओन चेंबर ऑफ कॉमर्स। यू राइट, यू फर्स्ट यू शुड लुक फॉर द चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ दैट कंट्री। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं, हम सीधा अपनी प्रोडक्ट को खोजने लगते हैं, परचेजर ऑफ एग्रीकल्चर, परचेजर ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, नहीं वो बहुत गदर हो जाता। फर्स्ट यू लुक एट द चेंबर ऑफ कॉमर्स और इक्विवेलेंट बॉडी इन दैट कंट्री एंड देन यू रिप्रेजेंट देयर, दे विल हेल्प यू। जस्ट लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्रॉम जेन्युइन पीपल। सो वंस यू गो थ्रू द चेंबर ऑफ कॉमर्स, यू विल गेट टू नो, और डेटा मिलता है, आप डेटा खरीद सकते हैं, चोरी करने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलिए मुझे ये डेटा चाहिए, आपको मिलेगा। हम भारतीयों को डेटा खरीदने में बड़ी तकलीफ होती है। हम मशीन खरीद लेते हैं 5 करोड़ का, लेकिन कोई बोले 5 लाख का डेटा खरीदे तो बोलते नहीं, आई डोंट नो व्हाई। तो आपको भी वो तकलीफ होगी क्योंकि आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। तो वो तकलीफ मत कीजिए, लुक फॉर द डेटा, बाय द डेटा, क्योंकि ये धंधा है। हम लोग क्या करते हैं, गूगल से फ्री डेटा निकालने की कोशिश करते हैं, वो फ्री डेटा में माथा मारते रहते हैं, कुछ होता जाता है नहीं, 6 महीने का बोलते हैं बेकार है यार, अपने कुछ धंधा मिलने वाला नहीं, राइट? गो थ्रू प्रॉपर चैनल एंड FIEO ऑर्गेनाइजेस सेमिनार्स, ऑर्गेनाइजेस एग्जीबिशंस, एक्सपोजिशंस। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, FIEO डज अ प्रोग्राम ऑलमोस्ट एवरी वीक इन प्लेसेज लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, वेरी एक्टिव इन द मेट्रोज, इवन नागपुर आते हैं वो लोग, साल में 2 बार आते हैं, सेंटर पॉइंट में उनका प्रोग्राम होता है। उसकी एक मेंबरशिप है, लाइफ टाइम मेंबरशिप 3000 का है और ईयरली मेंबरशिप कुछ 900 का है, ले लीजिए, उनकी इंटीमेशन आपको आती रहेगी। इसके अलावा देयर इज अ वेबसाइट कॉल caltigers.com, तो दे गिव यू डिटेल्स ऑफ ऑल टेंडर्स फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो अगर आप CalTigers में बोले कि मैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोडक्ट का करना चाहता हूं, तो इट्स अ B2B पोर्टल एंड दे विल आस्क यू कि आप किस कंट्री में इंटरेस्टेड। अगर आप बोलते हैं कि मैं बल्गेरिया में इंटरेस्टेड हूं, तो बल्गेरिया में इंजेक्शन मोल्डिंग के जितने भी टेंडर निकलते होंगे वो आपको भेजेंगे। ये भी एक धंधा है उनका, दे कॉन्ग्रीगेट ऑल द टेंडर्स अवेलेबल एंड दे शेयर इट विद यू। इवन इंडिया मार्ट हैज स्टार्टेड दिस सर्विस, दे आर नॉट सो गुड इन इट, बट इंडिया मार्ट ऑल्सो हैज दिस सर्विस वेयर दे शेयर इंटरनेशनल टेंडर्स विद यू, राइट? So there are multiple ways. My only saying is that don't go blindly on free data from Google. Nothing much will happen. And don't look for direct purchasers. In import, in export, you first go B2B way. Go through the proper channel. अगर आप direct end user तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको नाकामा भी हासिल होगी. It's not a very pleasure journey. All right, good. Any other questions that we have? Yeah. Like when you talk about a communication campaign, you tell them the 4 parameters like problem, then who this is. So like what would be the time period between each parameter to like to like name them again?
So between communication 1 and 2, 1 week, between communication 2 and 3, 10 days or 15 days. So entire 4 communications should be done in 1 and a half months. Yeah. Uske baad to bhool jayega wo. And once 1A jo hai, 1A and 1B, that will happen as the response comes. Correct. Ye jo campaign monitoring hai, jo shuruaat mein baat hui, ye bahut skill hai. This is where your parachute will actually take off. You know, normally hum udhar hi fail ho jate hain. Kyunki hum wo vomit karte na communication mein. Pehla communication mein hum bolte pura bata de. अपने बारे बता, अपने फैमिली के बारे बता, अपने तो हम इतनी डिटेल दे देते हैं कि वो सामने वाला बोलता है ये इसके बस कुछ काम नहीं है. इट लुक्स एम प्रोफेशन, इट इज आल्सो एप्लीकेबल इन द लोकल मार्केट. इफ लोकल मार्केट यू पुट एन एड और फुल पेज एड में पूरी शिट मार दो आप जितना भी आपके बारे में, तो कुछ नहीं होगा. तो कम्युनिकेशन के रूल्स तो वही है, राइट? सो गुड फ्रेंड्स, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेल्स की पाठशाला. I, for those of you who have come here for the first time, I just want to inform you that this Pathshala happens every Wednesday from 9 to 10 a.m. sharp. घड़ी देख के चालू हो जाती है. और हर Wednesday को हम sales के किसी नए aspect पे बात करते हैं. आज का aspect export marketing था, तो उस दौरान आप लोग जुड़े हो. और हर topic का एक detail session होता है. जैसे आज export marketing की झलक दिखला जा हुई, तो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर एक फुल डे प्रोग्राम या हाफ डे प्रोग्राम होगा. इसी तरीके से हर वेडनेसडे के प्रोग्राम का एक डिटेल्ड वर्जन होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट वी हैव फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. सो इफ यू फील दैट यू हैव लाइक टुडेस प्रोग्राम एंड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, देन प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड रजिस्टर फॉर अ फुल डे प्रोग्राम. एक बार आप लोग रजिस्टर करेंगे तो हम उसकी डेट तय करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली द थिंग विल हैपन. नॉर्मली अ फुल डे प्रोग्राम कॉस्ट 7,500 रुपीज और इसकी एक एक कॉपी बैंक के थ्रू इंटरनेशनल बैंक को चली जाती है. जो एक एक कॉपी आपको मिलती है, आप ये कस्टमर को भेजते हो कि बाबा मैंने माल भेज दिया, ये डॉक्यूमेंट तेरे को भेज रहा हूं, तो माल छोड़ा. तो क्या क्या भेजते हैं आप? क्लीन रिपोर्ट ऑफ फंडिंग की कॉपी भेजते हैं, आईडीएल की कॉपी भेजते हैं, बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी भेजते हैं. बिल ऑफ लेडिंग कहां से मिलता है? शिपिंग कंपनी से मिलता है. देखिए डॉक्यूमेंट का बड़ा झोल है. ये डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी से आएगी, ये डॉक्यूमेंट यहां से आएगा, अब ये आप यहां भेज रहे हो. अब जब ये यहां भेजते हैं तो आपके ग्राहक जो है वो अपने बैंक को भेजते हैं, फिर आपका बैंक इंटरनेशनल बैंक को भेजता है, फाइनली पेमेंट यहां होती है. फाइनली पेमेंट यहां होती है. तो जब ये इंटरनेशनल बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिल जाती है, ये इंटरनेशनल बैंक को डॉक्यूमेंट मिलती है, ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं ओके दिस इनवॉइस इज नाउ रेडी फॉर पेमेंट, अगर आपको माल मिल गया है तो हम पैसे देंगे. यहां तक की कम्युनिकेशन समझ में आ रही है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बार में नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द ड्रैगनेट. एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क ऑन दिस? ऊपर पेमेंट हो जाती है तो हैड द कस्टमर पेड लाइक उसके पेमेंट हो जाती है, मतलब फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, बट फिजिकल पेमेंट नहीं हुआ है. ये बैंक बोलता है, ये बैंक बोलता है, हाउ माझ्याकडे डॉलर आहे, तुम्हारा नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तुमको माल मिल जाएगा, तो मैं डॉलर तुमको क्रेडिट कर दूंगा, है ना, पैसे ब्लॉक हो गए. लेकिन अभी तक फिजिकल रेमिटेंस नहीं हुआ है. अभी तक शिपमेंट नहीं हुआ है, शिपमेंट रेडी है. अभी हम कहां तक पहुंचे? गुड्स आर रेडी फॉर शिपमेंट. ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं. आर वी गुड विद प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन? तो आपका विजडम कार्ड है, विजडम कार्ड पे लिखिए प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन. ये कार्ड है सबके पास? या प्लीज राइट प्री शिपमेंट. तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? फाइनल इनवॉइस, क्लीन रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग, इंपोर्ट ड्यूटी रिपोर्ट, बिल ऑफ लेडिंग. ठीक है, ओके, वेरी गुड. नाउ एज यू मूव अहेड, तो ये अभी आप अगर इसको देख रहे हैं
तो एडवांस पेमेंट हो सकती है, लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकती है, बैंक कलेक्शन हो सकती है, ओपन अकाउंट हो सकता है, इतने तरीके हो सकते हैं। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फुल्ली डिटेल प्रोग्राम करेंगे इसी टॉपिक पे तो हर डॉक्यूमेंट्स की नमूना यहाँ रहेगी और हम हर डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैपेंस। सो इफ दिस इज क्लियर, नाउ द गुड्स आर रेडी फॉर शिपमेंट। तो गुड्स आर रेडी फॉर शिपमेंट, आपने शिप किया शिपिंग कंपनी के थ्रू। ये देखो माल, ये शिपिंग कंपनी है, माल यहां से चलना चालू कर दिया हाई सीज पे। जब एक बार माल निकल जाता है हाई शिप पे तो हमें कुछ कुछ चीजें समझनी है जहां झोल चालू होती है एक्सपोर्ट में। एलसी जो है, एलसी 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलसी होते हैं। ओके, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड, फर्स्ट यू हैव एन इररिवोकेबल एलसी, इररिवोकेबल एंड रिवोकेबल। इररिवोकेबल एलसी का मतलब है कि एक बार तुमने प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू कर दिया तो ये कमान छूट गई, आपके तीर से कमान निकल गई, अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कॉल इट बैक। रिवोकेबल एलसी का मतलब होता है कि शिपमेंट चालू होने के पहले आप एलसी को रिकॉल कर सकते हो। डेंजरस है, हमने माल बना दिया, सब कुछ कर दिया और शिपमेंट के पहले उसने बोला मेरा मूड चेंज हो गया या मेरा ऑर्डर नहीं है, डेंजरस है। अब एक छोटा आई लगने से इतनी डिफरेंस आ जाती है, रिवोकेबल और इररिवोकेबल, एक ही आई लगा ना, बट विद दिस वन आई यू आर एक्चुअली एक्सपोजिंग योरसेल्फ। ओके, नाउ सो वी नो दैट रिवोकेबल एलसी नहीं मांगते हैं हमको, इररिवोकेबल एलसी मांगते हैं, इट इज लाइक इररिवर्सिबल एलसी। नाउ इन इररिवर्सिबल एलसी देयर इज समथिंग कॉल्ड कंफर्म्ड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अनकन्फर्म्ड। So you will have confirmed irrevocable LC. You will have unconfirmed irrevocable LC. So what is the meaning of confirmed? Confirmed मतलब ये international bank ने LC को confirm कर दिया है। ये जो पैसे लेते हैं ना, ये अच्छा खासा पैसे लेते हैं। तो बहुत सारे importer बोलते हैं काय को international bank वाले को पैसा देना, इतने पैसे में तो हम टिकट कटा के जाके कस्टमर को मिलके समझ लेंगे कि genuine है कि नहीं। So why should I give money to an international bank? I strongly am against it. क्योंकि आप कभी भी एक दिन, दो दिन, पांच दिन के लिए जाके किसी को इतना नहीं समझ सकते कि आपको उसकी actually फितरत समझ में आ जाए। And this international trade is a very different kind of place. So we must pay confirmation charges. But I'm just telling you that never go for an irrevocable, unconfirmed LC. Okay? It should always be irrevocable, confirmed LC. Fair. Now, as people who are into exports, you will have to understand that ये जो LC की payment है, ये discrepancy रहेगा अगर आपके LC में तो आपको payment नहीं मिलेगा। It is something like saying कि local trade में अगर check में signature गड़बड़ है या words and amount match नहीं हो रहा है तो पैसे नहीं मिलेंगे, हालांकि check बराबर है, सब कुछ बराबर है। Similarly in LC, there is this concept of discrepancy. Discrepancy is an English word which means कि दो दस्तावेज में difference है। Now this discrepancy is normally a clerical error which is done by design or by default. It's a clerical error. What is discrepancy? Invoice number mentioned in green report of finding is invoice number 1234 and invoice actual invoice number was 1235. Is it discrepancy? Are you getting my point? Bill of lading is mentioning container number so and so, लेकिन final invoice is maintaining a different container number. अभी ये clerical error है, लेकिन जो smart importers हैं वो ये clerical error जानबूझ के करते हैं ताकि payment delay होगा, और payment delay होगा, पैसे delay होंगे, it's an organized crime. So the smartest export manager is expected to be a master of understanding discrepancies. What are the different places where discrepancies can come? जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो दो घंटे तक हम बात करते रहेंगे, फिर भी आपको लगेगा इतनी discrepancy possible. And any single discrepancy payment is not made. Are you getting my point?
तो मैं ये डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि काय को ऐसी जगह जा रहे हैं इतने लोग चाहिए, लोचे नहीं है. वंस वी अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशन देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड दीस डेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू हैव सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल व्हिच स्कैन्स थ्रू द डॉक्यूमेंट्स एंड टेल्स यू व्हाट आर द डिस्क्रिपेंसीज. सो फॉर मैक्सिमस प्रॉब्ली दिस इज द इनपुट, यू कैन इवन वर्क ऑन दैट. सो दे स्कैन थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट बिकॉज देर आर अबाउट 20-21 डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्ट्स. इट स्कैन्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड टेल्स यू दीस आर द 9 डिस्क्रिपेंसीज. In fact, international trade, international bankers, they work on those software. Because वो लोग दिन के 100-200 LC negotiate करते हैं, so it's not possible for them to physically go through each one of them. So we understand what is the discrepancy in LC. We understand how an LC is negotiated. तो अब पैसे कैसे आते हैं? आपका माल shipment चालू हुआ, shipment गया, shipment जाके customer के घर तक पहुंच गया. अभी customer के घर तक नहीं पहुंचा, वहां पे port में गया है, right? अभी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी आएगा जो आपके बिहाफ पे पोर्ट से माल क्लियर करके आपके फैक्ट्री में लेके आएगा. दिस इज द प्रोसेस. तो जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी है आप उसको ऑथराइज करते हैं कि बाबा प्लीज क्लियर माई डॉक्यूमेंट एंड क्लियर माई पोर्ट, क्लियर माई कंटेनर. तो जब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने जाता है तो ही इज लाइक योर एक्सटेंडेड एम्प्लॉय. अगेन झोल दे because clearing and forwarding agencies बहुत ही बदमाश कंपनी है. सो एंड यू हैव टू मैंडेट देम, या तो खुद जाके खड़े होकर क्लियर करो या आप उनको मैंडेट दो. तो उनकी जो मैंडेट होती है वो एक तरीके से अपना घर प्रॉपर्टी का सेलरीड उनके नाम से अटॉर्नी लिख के दिया, ऐसी वाली बात रहती है. दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट वी गिव टू द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी. सो अगेन इन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी यू हैव टाइप्स, यू हैव क्लासेस, यू हैव क्रिसिल रेटिंग्स एंड blah blah blah. Because if the clearing and forwarding agency wants, they can ensure that you start begging. Okay. So clearing and forwarding agency को पूरी paper मिली, फिर clearing and forwarding agency custom duty pay करता है आपके behalf पे, which is based on the IDR. Custom duty pay करने के बाद सामान को जब clear करता है, सामान clear करने के बाद customer goods receipt note बनाता है कि I have received the goods in so and so condition. ये सामान रिसीव करने के पहले यहां से मैसेज चली जाती है कि सामान आ गया, फिर यहां से मैसेज जाती है सामान आ गया पैसे दो, फिर ये यहां से पैसे देता है. इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी एक भी डिस्क्रिपेंसी हुआ तो पैसे होल्ड पे चले जाते हैं. एंड दैट इज वेयर द एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज ऑल अबाउट. सो द आइडिया हियर इज टू गिव यू अ स्नैपशॉट, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हाउ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन टेक प्लेस. When we do a detailed full day program, we'll work on each document for about an hour for you to understand that what could be the possibilities, how there can be a jhol on this document and how Indian government treats it and so on and so forth. So before I move forward, we still have 10 more minutes. I just want to understand, is there any question on this? Bill of lading ka concept is clear. Bill of lading matlab wo jahaj company jo hai, shipping company, wo apna ek बिल ऑफ लेडिंग, लेडिंग का मतलब माल चढ़ाया. तो माल चढ़ाते समय वो एक बिल बनाता है कि भाई मैंने कंटेनर नंबर सो एंड सो में, कंसाइनी नंबर सो एंड सो का फलाना फलाना माल अकॉर्डिंग टू सो एंड सो इनवॉइस चढ़ाया है. क्योंकि देखिए यहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स, कस्टम, ये सब झोल है ना. कौन सी कंटेनर में क्या माल है, क्या माल के आड़ में क्या छुपा के ले जा रहे हो, क्या तस्करी कर रहे हो, क्या स्मगलिंग कर रहे हो, ये सब मसला है. सो टू कस्टम ऑफिसर कैन कम एंड आस्क शिपिंग कंपनी टू ओपन एनी कंटेनर एनी टाइम. दे इवन गो टू हाई सीज, बीच समुद्र में जहाज बोलते रोको, ये वाला कंटेनर खोल के दिखाओ. वो उनके पास पावर है. दैट इज ऑल टू डू विद नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स स्मगलिंग एंड स्मगलिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो बिल ऑफ लेडिंग इज अ ऑनेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द शिपिंग कंपनी दैट दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग. एंड नॉर्मली bill of lading should comply to the pro forma invoice or should comply to the form M. क्योंकि देखो थोड़ा उसको उस एंगल से सोचो कि शिपिंग कंपनी के जो लोग हैं, मास्क लाइन, नेट लॉयड, ये जो कंपनियां हैं, अगर समझो वो ड्रग्स स्मगल करना चाहते, वो एंगल से सोचो, तो वो तो अपनी बिल ऑफ लेडिंग छाप लेंगे, वो अपनी सब कुछ कर लेंगे. हाई सीज में कौन देखने जाता है, और वो पूरा धंधा चालू करते भी है बहुत सारे लोग, करते भी है. तो दैट इज वाई न्यूट्रल इंस्पेक्शन एजेंसी, दैट इज वाई कस्टम डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट,
तो आप देखो डॉक्यूमेंट्स इस तरह से बनी है कि कोई गड़बड़ ना हो। ये इंस्पेक्शन एजेंसी इशू करती है बिल ऑफ लेडिंग? नहीं, बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी। इंस्पेक्शन एजेंसी इशूज क्लीन रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग एंड आईडीआर। बैंक इशूज एलसी एंड फॉर्मेट। ठीक है, बैंक के दो डॉक्यूमेंट है, शिपिंग एजेंसी का एक डॉक्यूमेंट है, इंस्पेक्शन एजेंसी के दो डॉक्यूमेंट है, आपके खुद के तीन डॉक्यूमेंट है, विच इज योर फाइनल इनवॉइस, योर डिलीवरी चलान एंड योर पावर ऑफ अटॉर्नी टू द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी। ठीक है, अभी वो डॉक्यूमेंट के चक्कर में जाओ, आज के प्रोग्राम में सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू आप मिलता है समझ लो, फिर ये बर्ड्स आई व्यू के और डिटेल में घुसना है तो व्हेन वी डू अ फुल डे प्रोग्राम वी विल गेट इनटू इट। राइट, टुडे जस्ट टेक अ स्नैपशॉट। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? सर्विसेज के केस में सर एलसी डिस्काउंट हो जाएगी, ये एग्री करेंगे या दोनों का? ठीक है, बैंक को कोई मतलब नहीं कि आप सर्विसेज बेच रहे हो कि प्रोडक्ट बेच रहे हो, बैंक को सिर्फ मतलब है कि कितने रकम का इनवॉइस है। राइट, तो इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, यू आर शेयरिंग द कोड, सो दैट इज हैपनिंग विदाउट द बैंक। राइट, बट बैंकों से मतलब है कि आपकी जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस है वो फॉर्मेल बन के वहां पे उतने पैसे आपके नाम से ब्लॉक है कि, क्योंकि ये कस्टमर और आप एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए भारतीय लोग एक्सपोर्ट भी उसी से करते हैं जिसको जानते हैं, तो मैं उसको एक्सपोर्ट बोलते ही नहीं हूं, दैट इज लाइक आई नो यू, यू नो यू, लेट्स डू इट। एक्सपोर्ट हैपेंस व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन हू यू डोंट नो एंड यू आर नॉट बदर्ड, योर क्वालिटी इज अप्रूव्ड, योर थिंग इज अप्रूव्ड, there are agencies to take care of it and your money is assured, then we say it export. Normally Indian companies deal like this only, they have their own companies there, kyunki Indian companies ke jhol aur bhi rehte dusre, kyunki wo trade mein alag kamate hain aur foreign exchange mein alag kamate hain, to usme wo apni company khol lete hain har jagah, kyunki company kholne ki cost agar $100 hai aur har transaction mein $200 ki kamai ho rahi hai to pura hai, so that's a different game altogether. Okay, We are talking like she is from an agriculture company. Now, if she sells organic seeds to, let's say, Tehran, to someone whom she doesn't even know, pehli baar naam suna internet, that's what we call export. Right? Documentation is clear. Any questions you want to ask? Beer. Bill of lading. देखिए, bill of lading issue होता है shipping agencies. और क्रॉफ इश्यू होता है इंस्पेक्शन एजेंसी से। क्रॉफ में लिखा होता है कि मैं सप्लायर के फैक्ट्री में जाकर विजिट किया हूं और इनवॉइस के हिसाब से जो जो चीजें बताई गई थी उतना चीज उन्होंने बनाया है और उसकी क्वालिटी वैसे ही है जैसा उन्होंने इनवॉइस में बताया था और उन्होंने वो एयर मार्क करके रखा है एक्सपोर्ट के लिए आपको। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्रॉफ आइडिया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट क्लासिफाइड अंडर कोड सो एंड सो ऑफ सो एंड सो कंट्री एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन दिस शुड बी द इम्पोर्ट ड्यूटी टारगेट। ये बहुत बड़ा खेल है, आप इम्पोर्ट ड्यूटी को 20% से 5% अगर करा लो खिला पिला के और खाते हैं सब अच्छे खासा खाते हैं, तो आपकी पूरी शिप की लोड अगर $200,000 की है तो 15 से 5% हो गए तो 10% के फायदा तो नहीं होगा। अब ये एडवोकेट वाला काम है, कौन सी प्रोडक्ट किस में क्लासिफाई होगी ये इंटरप्रिटेशन का है, नो? सो आपकी दलील कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है आप कितना इम्पोर्ट ड्यूटी दोगे। आई हैव वर्क इन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया माइसेल्फ और वो इतनी करप्ट देश है कि जो अथॉरिटीज है वो आंख बंद कर लेते, तो राइस इंपोर्ट करते थे और उसको माचिस डब्बा का इंपोर्ट दिखा देते थे, और माचिस डब्बा 2% की इंपोर्ट ड्यूटी है और राइस में 28% इंपोर्ट ड्यूटी है, सो बहुत बार गेम वही रहता, फिर माल कितने भी पैसे में लो कितने भी पैसे में छोड़ो। आई हैव पर्सनली वर्क विद मैकेंजी इन नाइजीरिया और हम लोग एक शिपलोड ऐसे 25 शिप निकलते थे थाईलैंड से नाइजीरिया, तो थाईलैंड से नाइजीरिया शिप आने में 1.5 महीना लगता, तो उस 1.5 महीने के बीच में जो जो कंट्री से शिप आती थी हम उसी शिप लोड को बेच के खरीद लेते थे वापस। सपोज शिप जर्मनी से गुजर रही है और डॉशमार्क में फर्क आ गया, डॉलर डॉशमार्क में 4 डॉशमार्क का फर्क आ गया, बोले बेचो,
क्यों? सिर्फ वो चार डॉशमार्क कमाने के लिए, बट दस फोर डॉशमार्क ऑन शिप इज वेरी हाई। बेचा दो दिन के बाद, वो जिसको बेचा उसको बोला मेरे को वापस मांगता है, तेरे से जो चार डॉशमार्क किया था तू वापस ले, मेरे को वापस दे। क्यों? क्योंकि उतने दिन में डॉलर पाउंड रेट सुधर गया। तो दुनिया सोचती थी कि हम कंटेनर बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम फाइनेंस बिजनेस में थे। वी वर सिटिंग एंड क्लोजली ऑब्जर्विंग द डॉलर रेट, द पाउंड रेट, द डॉशमार्क रेट एंड अकॉर्डिंगली। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द सेम शिप इन वन एंड हाफ मंथ्स बिफोर इट रीच नाइजीरिया वी हैड ऑलरेडी सोल्ड एंड परचेज इट थ्री फोर टाइम्स एंड मेड आवर मनी। After it comes to Nigeria, then at whatever rate उसको import duty देके छुड़ा के, और ऐसा sale लगाए जैसा वैसा बेच जाते थे, कुछ भी दाम में बेच जाते थे, because we wanted that empty container fast to again roll it back. So this business is known as futures and options and derivatives in commodity. Futures, options and derivatives in commodity. कभी हम उसके ऊपर भी क्लास करेंगे, हाउ दिस बिजनेस वर्क्स एंड हाउ वी कैन मेक मनी आउट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें कि जो माल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे क्या कमाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो माल जब रस्ते में है तो रस्ते में उसी को बेच के उसी को खरीद के कितने बार कमा लेंगे, दैट इज द होल बिजनेस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो ऑप्शंस, अर्निंग मनी ऑन ऑप्शंस ट्रेड इन एक्सपोर्ट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, एंड डेरिवेटिव ट्रेड इन एक्सपोर्ट is what I'm talking about. So anyway, that's a bit of a digression. So moving on, what more should I tell you here? So bill of lading is clear. We have discussed bill of lading. Delivered duty paid is another document जो import duty report के साथ में रहते हैं. Custom duty आप सब लोग समझते हो इस बात को. IDR, CROF, bill of lading, final invoice, no discrepancy allowed. This we have discussed. ये कैसा banks के through routing होती है ये हमने discuss किया board पे. So this in essence is what we were talking about full script about exports. एक 3 minute का समय हमारा बचता है अभी. We are already at 10:09:57. Can we have some questions? As I told you in the beginning of the program that today's session was a snapshot to introduce you to this concept of exports. If you have any questions, how to take it further, and I also want to know how many of you would be interested to attend a full day program on this topic. So first your questions. आज जो बातें हमने की उससे क्या क्वेश्चन निकल के आते? Can you elaborate on how to generate leads? What are the avenues to generate leads? Yeah, I think you came a bit late. We started about it, but we discussed about the communication that is required to generate leads. I got that. I was there for that. But okay, how do you read? Where is that data? What to access to find those companies which are buying what I am selling? So in the export market, database is very well organized. In fact, India is the only country which I find where data is not easily available.